धन के कारक देवगुरु बृहस्पति पूरे 12 वर्ष पश्चात अपनी ही मीन राशि में करने जा रहे हैं प्रवेश, और देवगुरु के इस राशि परिवर्तन से 12 में से 7 राशि वाले जातकों के शायद ही ऐसे कोई कार्य होंगे जो पूर्ण ना हो। ये लिखकर रख लीजिए, देवगुरु बृहस्पति इन 7 राशि वाले जातकों पर बरसाने जा रहे हैं पैसा ही पैसा। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि शास्त्र मान्यता अनुसार जब भी कोई ग्रह अपने घर में आता है तो उसका बल बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। इसे आप साधारण रूप से भी समझ सकते हैं कि जब आप अपने ऑफिस में होते हैं, आपका रुतबा, आपकी वो जगह आपका एक अलग ही व्यक्तित्व को प्रेजेंट करती है, किंतु जब आप किसी अन्यत्र व्यक्ति के घर जाते हैं या ऑफिस जाते हैं, वहां आपकी स्थिति उस वातावरण के आधार पर परिवर्तित हो जाती है। ठीक उसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति की यह स्थिति भी आपको अवश्य देखने को मिलेगी। और देवगुरु बृहस्पति की यदि आपकी कुंडली में प्लेसमेंट अच्छा बना हुआ है तो मैं फिर से कह रहा हूं, लिख कर रख लीजिए, एक एक अक्षर आपके ऊपर सत्य होता हुआ दिखाई देगा। ये राजयोग पूरे 12 वर्ष पश्चात बनने जा रहा है, जो अपने आप में एक अद्भुत स्थिति का योग बनाता है। तो आइए जानते हैं कौन सी है वह सर्वप्रथम राशि जिस राशि वाले जातकों के लिए ये राजयोग बहुत श्रेष्ठ फल देने वाला है। तो पहली राशि, जिस राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति कर्म भाव में प्रवेश कर हंस महापुरुष राजयोग बनाएंगे, वह राशि होगी मित्रों मिथुन राशि। जी हां, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कर्म भाव के अंदर देवगुरु बृहस्पति हंस महापुरुष राजयोग बनाने जा रहे हैं। ये आपके लिए अपने आप में पूरे 12 वर्ष पश्चात अद्भुत योग है आपके कर्म में सफलता का। कंडीशन को ध्यान रखिएगा, देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छे भाव में बने हुए हो, अर्थात जहां आपकी कुंडली में 10 नंबर लिखा हुआ है वहां देवगुरु बृहस्पति नहीं होने चाहिए, और कुंडली के लग्न से 6वें, 8वें, 12वें में ना हो, अद्भुत योग यहां पर देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बनाकर देने जा रहे हैं। दूसरी राशि, जिस राशि के लिए यह राजयोग भाग्य के द्वार खोलने जा रहा है, वह राशि होगी मित्रों कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं और ये आपके भाग्य में ही प्रवेश करने जा रहे हैं। इससे अद्भुत संयोग पूरे 12 वर्ष पश्चात कोई श्रेष्ठ नहीं बन सकता। कर्क राशि वाले जातक चाहे शनि उनको परेशान कर रहा हो, चाहे अन्यत्र किसी ग्रह की वजह से आप पीड़ित हो रहे हो, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति जो अब आपके लिए बनने जा रही है, ये अद्भुत रूप से भाग्य का आपके साथ साथ जोड़ देगी। आप स्वयं अनुभूति कीजिएगा, या फिर कहूं कि अब आपको अनुभूति होगी कि भाग्य का साथ कहते किसको है। जहां हाथ डालेंगे वहां से सफलता निकालने के योग में पूर्ण रूप से देवगुरु बृहस्पति आपका सहयोग करते हुए पाए जाएंगे। तो कर्क राशि वाले जातक भी बहुत अच्छे योग में तैयार हो जाइए। सिर्फ निवेदन आपसे ये है, अपनी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट अवश्य चेक कीजिएगा। मकर राशि में नहीं होने चाहिए, लग्न से 6वें, 8वें, 12वें स्थान पर ना हो, अद्भुत योग आपके लिए प्रकट करते हुए पाए जाएंगे। अगली राशि, जिस राशि के लिए पुनः हंस महापुरुष राजयोग निर्मित होने जा रहा है, वह राशि होगी मित्रों कन्या राशि। जी हां, कन्या राशि वाले जातकों की कुंडली के अंदर सप्तमेश होकर देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। इससे अद्भुत योग आपके लिए भी 2022 में बन ही नहीं सकता। इवन कहा जा सकता है कि पूरे 12 वर्ष पश्चात देवगुरु बृहस्पति का आपके सप्तमेश होकर सप्तम में प्रवेश होने जा रहा है। अद्भुत रहेगा यह आपके व्यक्तित्व के लिए, अद्भुत रहेगा यह आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, और अद्भुत रहने वाला है आपके रोजगार के लिए। ऐसी कोई मनोकामना नहीं होगी जो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपकी कुंडली के अंदर पूर्ण ना हो। अद्भुत योग है। कंडीशन में हर बार बताता हूं, इस बार फिर से बता देता हूं, कुंडली में सबसे पहले मकर राशि अर्थात जहां 10 नंबर लिख रहा हो वहां देवगुरु बृहस्पति ना हो, और लग्न से 6वें, 8वें और 12वें घर में ना हो, अद्भुत योग आपके लिए प्रकट करते हुए पाए जाएंगे। अगली राशि, जिस राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति आकस्मिक लाभ के द्वार खोलने जा रहे हैं, वह राशि होगी मित्रों वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों के त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में ही प्रवेश करने जा रहे हैं। 2022 के अंदर
13 अप्रैल से ये योग आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि आपके अद्भुत संयोग से किसी भी प्रकार के ऐसे आकस्मिक लाभ की स्थिति आपको बनाकर दे दे जो आपने भी सपने में ना सोची हो। पूर्ण 12 वर्षात पश्चात देवगुरु बृहस्पति पंचमेश होकर पंचम में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसी कोई मनोकामना भी आपकी नहीं छोड़ेंगे जो पूर्ण ना हो। सिर्फ कंडीशन की एक ही स्थिति है, देवगुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अवश्य रूप से चेक कीजिएगा। अगली राशि जिस राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति पुनः से हंस महापुरुष राजयोग बनाकर खोलने जा रहे हैं आपके लिए भौतिक सुखों के द्वार, वह राशि होगी मित्रों धनु राशि। जी हां, धनु राशि वाले जातकों के चतुर्थ सुख भाव के स्वामी होकर ये सुख में प्रवेश करने जा रहे हैं। आप लिख कर रख लीजिए, आपके लिए भौतिक सुखों से संबंधित स्थितियों में निश्चित रूप से अद्भुत लाभ देने वाले हैं। कर्म क्षेत्र में बहुत ही श्रेष्ठकारी अवस्था का योग बना कर देंगे। जीवन में आ रही समस्याएं, ऑब्स्टेकल, मानसिक तनाव, इन सब स्थितियों से आपको मुक्त करने की बाध्यता देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल से प्राप्त करने जा रहे हैं। अद्भुत है ये योग, इसका सदुपयोग अवश्य से कीजिएगा। आपके मनोरथ पूर्ण करते हुए देवगुरु बृहस्पति पाए जाएंगे। कंडीशन ध्यान रखिएगा, मकर राशि में ना हो, लग्न से 6वें, 8वें और 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति ना हो, अद्भुत यह स्थिति आपके लिए प्रकट होती हुई दिखाई देगी। अगली राशि जिस राशि के लिए सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ पूर्ण 12 वर्ष पश्चात ये योग बनने जा रहा है, वह राशि है मित्रों मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों के लग्नेश होकर लग्न के अंदर पूर्ण 12 वर्ष पश्चात संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण कर ये अब आपके घर में आ रहे हैं और आपके लिए समस्त प्रकार की स्थितियों को आपके कदमों में लाकर रख देंगे। मैंने कहा ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जो देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में अधूरा छोड़ेंगे। आकस्मिक लाभ की स्थितियां, व्यक्तित्व बड़ा गजब स्थिति का योग बनाकर दे, दाम्पत्य जीवन की स्थितियां मधुर, कुटुंब परिवार में यशमान प्रतिष्ठा, कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता के योग और भाग्य का साथ आपके साथ जोड़ देंगे, और इससे अधिक व्यक्ति को और क्या चाहिए। ये सब स्थितियां आपके लिए बनाकर देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। मकर राशि में ना हो, अर्थात जहां आपकी कुंडली में 10 नंबर लिखा हुआ है वहां पर देवगुरु बृहस्पति ना हो, और साथ में ही लग्न से 6वें, 8वें और 12वें घर में ना हो, सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा। और अंतिम राशि जिस राशि के लिए विपरीत राजयोग बनाकर देवगुरु बृहस्पति अद्भुत लाभ देते हुए पाए जाएंगे, वह राशि है मित्रों मेष राशि। जी हां, मेष राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति द्वादशेश होते हैं, किंतु दूसरी अवस्था में ये भाग्येश भी है। यदि आपकी कुंडली में मंगल देव का प्लेसमेंट अच्छा बना हुआ है और विपरीत राजयोग की कंडीशन आपके ऊपर लागू होती है, तो सबसे श्रेष्ठ अवस्था जो आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगी वो है विदेश से संबंधित कोई भी कार्य यदि आप अपने जीवन में करना चाह रहे हैं, या फिर विदेश में सेटलमेंट चाह रहे हैं, पीआर चाह रहे हैं, स्टडी के लिए जाना चाह रहे हैं, अद्भुत ये अवस्था आपके लिए प्रकट करते हुए पाए जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए ओम गुरुवे नमः का जाप करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से देवगुरु बृहस्पति का पूरे वर्ष 2022 में बरसेगा आपके ऊपर आशीर्वाद। तो ये है वो 7 राशियां जिन राशि वाले जातकों के ऊपर देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल से लुटाने जा रहे हैं पैसा ही पैसा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।